बर्थडे बट टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। ऐसे ही We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. बस हम कर रहे हैं डेकोरेशन की तैयारी। कल को गुड़िया का बर्थडे है, यानी आज है 21 अक्टूबर, तो रात के बज चुके हैं 10। बस हमारा खाना पीना हो गया, डिनर हो गया है, तो हमने सोचा डेकोरेशन कर लेते हैं। पिछली बार पता है हमने बाहर से कराई थी डेकोरेशन, और पता है इतने सारे बलून करके चला गया था और कोई ख़ास मज़ा भी नहीं आया था। तो हमने इस बार सोचा कि हम घर में ही डेकोरेशन करेंगे अपने आप ही। तो बस हम डेकोरेशन का सामान ले आए थे और डेकोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फिर कल बहुत लेट हो जाता, तो इस वजह से हमने सोचा अभी रात को ही कर। बस पहले हम नीचे की डेकोरेशन कर लेंगे जो भी हमें करनी है, और फिर हम जाएंगे ऊपर, ऊपर की डेकोरेशन करेंगे। तो बस हम नीचे की डेकोरेशन कर रहे हैं और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बार बार बलून लेके बैठ जाती है। मैं अपने हस्बैंड को बलून पंप से फुला फुला के दे रही हूँ और वो बस ऊपर डेकोरेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो गया डेकोरेट, अब बस हम ऊपर जाएंगे। तो बस हम ऊपर आ गए, अब देखिए कैसे परेशान करिए। सच में इसने तो दिमाग ख़राब कर दिया था, कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चा है पता नहीं है। तो बस इसकी वजह से और ज़्यादा देर लग गई थी, हमें 12 से भी ज़्यादा बज चुके थे। हमने सोचा फिर सुबह पूजा भी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा, तो डेकोरेशन वगैरह का रात को ही करके मतलब रख देते हैं। और हमने सामान खोल के देखा, पहले हमने ध्यान नहीं दिया, हमेशा वैसे पता है मार्केट से कोई भी सामान लेकर आओ ना देखना चाहिए, और हमने ध्यान नहीं दिया और सारा जब सामान खोल के देखा तो उसमें से हैप्पी बर्थडे ही गायब था। तो बस वो बलून फुला कर देर जा रहे हैं और मैं जल्दी से डेकोरेट कर रही हूँ। जल्दी क्या, जितना जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना हम कोई भी काम, तो बस उतना ही देर हो जाता है। तो पता है हमने डेकोरेशन का सामान खोल के देखा तो उसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पर बलून सारे सजा दिए हैं, और आप कमेंट करके बताना मैंने कैसी डेकोरेशन की थी। तो बस अब ये बर्थडे नेम वो इसे मुंह से फुलाना पड़ता है, क्योंकि इसे नहीं पंप से फुला सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं तो फट जाते हैं ये बहुत जल्दी। तो बस मुंह भी दुखने लगा था मेरे हस्बैंड का फुलाते फुलाते, पर क्या करें, बच्चे की खुशी के आगे कुछ नहीं होता, सब जायज़ है। तो बस हैप्पी बर्थडे रह गया था, वो हमने सुबह लेकर आए, तो काफ़ी टाइम लग गया था इन्हें फुलाने में। तो बस ये सारे फूल चुके हैं, मैं कह रही थी मैंने कहा आप पहले सारे फुला लो तो फिर बस मैं वो कर दूँगी डेकोरेट कर। शने हैप्पी बर्थडे बेटा, आज बर्थडे है बाबू का, आज बाबू 2 इयर्स का हो जाएगा। नहीं पापा यही है, हाँ आज मेरा बाबू 2 इयर्स का हो गया। पापा के, हाँ पापा यही है। आज शने केक कट करेगा, केक जयमाई करेगा, केक कट करेगा। अपने बर्थडे पे सबको बुला लो, अच्छा कह दो मेरे बर्थडे पे आ जाओ। आज है 22 अक्टूबर, मैंने बाबू को उठाया था, सुबह की क्लिप शूट की थी। तो बस अब मैं प्रसाद बना रही हूँ, काम मैंने सारा कर लिया है, साफ सफाई सब कर ली है, और बस नहा लिया है तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे हम। तो बस मैं उसी का प्रसाद बना रही हूँ, आटे का प्रसाद बनता है उसमें और चरणामृत बनता है, तो बस मैं आटे का प्रसाद बना रही हूँ। काम काफ़ी फैल जाता है घर में, छोटा सा ही क्यों ना प्रोग्राम हो, काम काफ़ी फैल जाता है। बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से ज़्यादा लोगों को तो हमने नहीं इकट्ठा करा, बस जो खास खास हैं आस पड़ोस के हैं बस उन्हें ही बुलाया था। तो बस मेरा प्रसाद भी भून चुका है, बस मैंने प्रसाद बना लिया तो कैसे रख दिया, बाद में उसके अंदर बूरा मिलाऊंगी। तो बस मैं सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी की, तो बस मैंने सिंपल सी सब्जी बनानी है बस हींग जीरे में, तो बस मैंने हींग जीरे में छौंक लगा दिया था, और बस अब मैं इसके अंदर नमक मिर्च ऐड कर लूँगी। पता है ऐसे मौसम में बर्थडे आता है इसका, आता है क्या, बस ये ऐसे ही मौसम में हुई है, कभी तो नवरात्रे पड़ते हैं, कभी कोई फेस्टिवल पड़ता है, कभी कुछ, तो मतलब फेस्टिवल सीजन में बच्चे होते हैं ना, तो बस गलत उसमें ही बर्थडे आता है उनका, ना अच्छे से मना सकते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों का तो फास्ट है, तो इस वजह से खाने वाने का तो कोई इतना वो है नहीं, तो बस लेकिन बनाना तो है ही। तो बस मैंने आलू गोभी की सब्जी बना ली थी, रायता बना लिया था, और पूरी और खीर। तो बस मेरी सब्जी में मैंने मसाले वगैरह डाल लिए हैं, और बस अब इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। बस मैंने आलू ऐड कर दिए थे सब्जी में, बस सब्जी मेरी बन चुकी है, और ये मैंने आटे का प्रसाद जो बनाया था वो भी ठंडा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर बूरा और किशमिश वगैरह ऐड कर दी है, तो मैं इसे बस अच्छे से मिला लूँगी।
अच्छे से मिला के रख दूंगी, कम से कम एक काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा सामान ऊपर भी पहुंचाना है, तो साथ के साथ ऊपर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है दिक्कत। और खीर भी मेरी बन चुकी है, लेकिन उसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। किचन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है, तो बस अब मैं रेडी हो रही थी। बाबू को तो रेडी कर दिया था, उसके पापा ने, तो बस अब मैं रेडी हो रही थी। तो मैं साड़ी वेयर कर ली थी और अब बस मैं काम कर रही थी। तो काम सारा ख़त्म हो चुका है, बस पंडित जी आने वाले हैं, बस पंडित जी की वेट कर रहे हैं। अब एक तो साड़ी पहनने में बस इतना ज़्यादा तामझाम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा साड़ी पहनने में वक्त भी इतना लगता है। बस अच्छे से पहनी नहीं गई थी, उल्टी सीधी पहनी गई थी। मैंने सोचा चलो पूजा में ही तो बैठना है, फिर बाद में चेंज कर लूँगी। आप सबने पहली बारी देखा होगा जो साड़ी पहनती नहीं हूँ बिल्कुल भी, बड़ा तामझाम हो जाता है। बस सूट में अच्छा से सही रहता है। देखिए हमने डेकोरेट कर दिया था, ये सुबह को लेकर आए थे हैप्पी बर्थडे मेरे हस्बैंड, तो फिर डेकोरेट तब किया था। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, हमने कैसी डेकोरेशन की है। तन्नो वातो व्यवहारेयं तन्माता पृथ्वी तत्पिता देवो तद्ग्रावरासों सुतोमित्रस्न श्रुतं दशयोम तमीसानं जगतने ग्लिंग्लिंग चामुण्डविते स्वाहा। ओम ह्रीं ग्लिंग्लिंग चामुण्डविते स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो गाता चक्षुषु रोजाय श्रोता द्वाय सकरण समुख दमजाय चलवाय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संत दास जनों के अवग बंसी वाला डोर के। ओम जय जगदीश हरे। जो गावे मन पावे जो बिनु से मन का स्वामी जो बिनु से मन का शुभ संपत्ति करो आवे श्याम सुंदर हरो आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। बस पूजा हो चुकी थी, तो बस मैंने आवाज़ म्यूट नहीं की थी। मैंने सोचा भगवान जी के मंत्र हैं, आरती है, तो कानों में सबके पढ़नी चाहिए, इस वजह से मैंने ओरिजिनल वॉइस ही रखी थी। तो बस अब शाम हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं। मैंने बाबू का बस घर में पूजा हो चुकी है, बहुत ही शांति पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। पूजा करने के बाद बहुत ही ज़्यादा शांति हो, मतलब शांति अपने मन को शांति। काली पन्नी, काले रंग की पन्नी झूले में रखी है, मुझे इतनी दूर से दिख रही है। 6 बज चुके हैं, केक कट करना है, तो बस बच्चों की वेट कर रहे हैं। बच्चों को बुला लेंगे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं बुलाए हैं, बस थोड़े बहुत बच्चों को ही बुलाया है। तो बस इन्होंने मोमबत्ती लगा दी है और बस तैयारी हमारी हो चुकी है। बस अब बाबू को देखो, हमारा बाबू तो ऐसा, उसे बर्थडे वर्थडे से कोई मतलब नहीं है और केक भी बिल्कुल नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिस्टी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओए बलून तो फोड़ दो, बलून तो फोड़ दो। हैप्पी बर्थडे, बस मैं अपने हस्बैंड को केक खिला रही थी, कह रही थी बेटी का जन्मदिन मुबारक हो, तो हंस रहे थे। तो बस मैं इतनी ही क्लिप शूट कर पाई थी, क्योंकि अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम नहीं कर पाते। आपको मेरा व्लॉग जरा भी अच्छा लगे तो